रनों से साउथ अफ्रीका ने जीता मैच, सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली है। भारत पर अब तो क्लीन स्वीप का खतरा। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने फिर किया सरेंडर, 287 के टारगेट के सामने 151 रनों पर भारत ढेर, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। हार से बौखलाए भारतीय कप्तान पत्रकारों पर भड़के, तीखे सवाल के सामने विराट का फूटा गुस्सा, पत्रकारों को कहा कि आप ही बता दीजिए कैसा हो टीम इंडिया का प्लेइंग 11। सेंचुरियन टेस्ट मैच में जीत के बावजूद साउथ अफ्रीका कप्तान पिच से नाखुश, कहा सेंचुरियन की ऐसी विकेट उन्होंने कभी नहीं देखी। साथ में यह भी जोड़ा साउथ अफ्रीका की पिचों का स्तर बरकरार रखने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अगले आधे घंटे में हम पर्दा उठाएंगे भारत की उस हार से, हार के पीछे वजहों पर, क्योंकि आज अगर हमने भी आंखें मूंद ली तो फिर शतुरमुर्ग हम भी कहलाए जाएंगे, क्योंकि सच बोलना है। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनको भी सच ही बोलना है। मोहम्मद अजहरुद्दीन है, मदन लाल है, और गवाह आप होंगे कि जो जो सवाल आपके जहन में है आज सारे सवाल एक एक कर आज तक के मंच पर उठाए जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि भारत हार तो गया, बड़ी हार, करारी हार हुई, उसके बाद भारत के कप्तान विराट कोहली अपना आपा खो बैठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मीडिया ने सवाल पूछे उनकी 11 को लेकर, भारत के खेल को लेकर, और विराट को गुस्सा चढ़ गया। विराट गुस्से में पत्रकारों से उलझ गए, उनसे यह भी पूछा कि आप ही बता दीजिए 11 कौन सी होनी चाहिए। इशारों इशारों में विराट ने लेकिन ये तो कह दिया कि जो 11 मैंने खिलाई है वो बिल्कुल सही खिलाई है, नतीजे अगर भारत के खिलाफ रहे तो भी मैं अपने हिसाब से ही 11 खिलाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मेरा रिकॉर्ड देखिए, अगर मैं हर मैच में टीम बदलता था तो भारत में हर मैच जीतता भी था। What's the best 11? The one that win this match. Was it your best 11? That's what. But if we had won this, was this the best 11? Again, you haven't won this. It's a pitch that is a much more supportive. Look, I'm saying that we don't decide 11 according to results. My question was about the pitch. Like, yeah, but you're saying you're telling me you could have played the best 11. So you tell me the best 11 will play that. I'm saying the loss obviously hurts, but you make one decision and you back it. We certainly don't sit here and say, oh, if you fail in one game, you're not good enough to be at this level. Or once the team loses, didn't we lose in India? We had the best 11 there. So whoever plays should be good enough to go out there and do the job for the team. How many test matches have we won out of 30? How many have you changed? How many have we won? How many have we won? How many have you changed? 21 wins. Yeah. 2 losses. Yeah. How many draws? How many in India? It doesn't matter. Wherever we play, we try to do our best. Thank you, sir. We'll take that. I'm here to answer your questions, man, not fight with you. Please answer. अब देखिए, सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विराट अकेले हार के लिए जिम्मेदार हैं अजहर भाई, लेकिन आपने तो बड़ी कप्तानी की है, आपको बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा होगा, कई सवाल आपसे भी तीखे किए गए होंगे। एक बार तो मैं ही इनके साथ उलझ गया था, गलत था, मैं भी यंग था, खून था मेरे में भी। लेकिन सवाल यह है कि विराट तो बातों बातों में ये कह रहे हैं कि जो 11 है वो नतीजों के हिसाब से नहीं मैं बदलूंगा, नतीजे नहीं आते तो भी मैं 11 वही खिलाऊंगा। और कोच आपके ऐसे हैं, वो कहते हैं रिजल्ट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। करें तो क्या करें, हमें तो नतीजे चाहिए। नहीं, भारत तो प्रॉब्लम यही होता है जब सवाल आते
तो बिल्कुल टफ लगता है, क्योंकि आप जब जीतते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं तो अच्छे आंसर देने लगते हैं, जब टफ सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल आप सुलझे, उससे बात करनी चाहिए, ठीक है, बोला ठीक है हमने ऐसा ऐसा किया, जिस दिन आपकी तारीफ होती है तब आप आकर नहीं उलझते हो किसी से, बिल्कुल नहीं उलझ, आज आलोचना होगी तो आप क्यों उलझ रहे हैं, एज ए कैप्टन आप उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रेस का राइट है कि वो लोग अगर कोई है तो क्वेश्चन पूछे, आप अगर उसका आंसर नहीं देना चाह रहे तो बोला मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप बोल सकते हैं आपका राइट है, बट ऐसे नहीं आप टीम खिला दो ये कैसे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे, कहते हैं ना दो बार इम्तिहान होता है, एक खिलाड़ी के तौर पर जब वो इंग्लैंड में फेल हुए उसके बाद कपिल देव ने कहा था कि विराट कितनी जल्दी उस दौर से निकलेंगे वो उनको बड़ा प्लेयर बनाएगा, वो निकले, कप्तानी में अब हार तो हार होगी आपकी, अब जिस तरह दो टेस्ट मैच हारे हो सकता है अब तीसरा भी हारे, अब हारते ही रहें, अगर विराट इसी तरह से हर जगह उलझते रहेंगे टीम का क्या होगा? नहीं देखिए टीम का मोराल तो गिरता ही है क्योंकि आपको पहले ही पहली बात यह है कि आपको अपना आपा नहीं खोलना, अगर वो बेस्ट इलेवन की बात करता है उसको बेस्ट इलेवन वो कह देता था भी हाँ मैंने बेस्ट इलेवन खिलाई थी पर हमने जो आलोचना की बेस्ट इलेवन नहीं है, नहीं खिलाई उसने, मैं भी कहता हूँ अगर विराट कह देते गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, नहीं गलती भी कह सकते थे पर ये भी कह सकते थे पॉजिटिवली कि मैंने मैंने मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, पर हम मैं कहता हूँ कि इसने बेस्ट इलेवन नहीं खिलाई, नहीं खिलाई 120 करोड़ हिंदुस्तानी कहेंगे बेस्ट 11 नहीं खिलाई, नहीं नहीं खिलाई, और दूसरी देखिए ये जो बात कर रहे हैं अभी भारत में हमने इतने जीते थ्रो आउट ऑफ द विंडो जैसे रवि शास्त्री का, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, देखिए क्या होना क्या हमने बाहर जाके सीरीज जीतनी है तभी हम वर्ल्ड क्लास टीम बनेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि हम घर में जीतते हैं, साउथ अफ्रीका जब इंडिया आया था वो कितनी बार जीतने की पोजीशन में थे, मेरा सवाल ये है कि भारत इन दो टेस्ट मैचों में जीतने की पोजीशन में कब कब था, और अगर आप जीतने की पोजीशन में थे बावजूद इसके नहीं जीत पाए तो हार आपको और भी चुभनी चाहिए। अब 151 भी इसलिए हो गए क्योंकि मोहम्मद शमी रोहित शर्मा ने आकर नीचे रन बना दिए, 135 से भारत हारा है। दो टेस्ट मैच में जो मदन जी दिखा या इसी टेस्ट मैच की मैं बात करूं, वो कहते थे हार्दिक पांड्या कपिल देव से भी बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो 92 रन बनाए, मेरा तो अभी भी मानना है उस 92 रनों ने भारत की बैलेंस को बिगाड़ दिया, ना तो आप 6 बल्लेबाज खिला पाए और ना ही आप 5 गेंदबाज खिलाने के बावजूद 5 गेंदबाज आपके पास थे, वो मैडनेस इन इस मेथड था, वो हर रोज नहीं चलता है। सुनील गावस्कर ने आज बोला ना कि आप कैच लेते वक्त यस नहीं बोलते, बैट आपको घसीटना नहीं आता और आप ये शॉट टेस्ट मैच बचाने के वक्त खेलते हैं जो आज उन्होंने खेली है। पुजारा 2 बार एक टेस्ट मैच में रन आउट होते हैं, ये हो क्या रहा है आपकी टीम को? नहीं देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ सुनील गावस्कर से, आप भी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप दुख होता है कि बेसिक जो है वो होने बड़े जरूरी बेसिक है, तो होने चाहिए। जैसे आपने बैट को रखना या किसी ने कैच करना है तो आवाज लगाना भी ये मेरा कैच है, ये सब चीजें बेसिक में सिखाई जाती है, तीसरी क्लास में मुझे पता था। हाँ तीसरी बट विक्रांत हम हारे कहाँ, हमने की मोमेंट छोड़ दिए सारे, लास्ट मैच में भी छोड़े इस मैच में भी हमने छोड़े, भाई अगर विराट कोहली पहली इनिंग में बैटिंग कर रहा है भाई उसके साथ कोई खड़ा हो जाए आप 40-50-60 रन की 100 रन की लीड लीजिए, चेतन पुजारा 2 बार रन आउट हो गए वो भी की मोमेंट छोड़ दिए, आपने आपने कोई कोशिश ऐसी हुई नहीं जहां पे भी आप मैच को निकालें, यहां थोड़ा प्रेशर ये देखिए ये रन आउट है आज का, ये पहला विकेट है, ये तो खैर पिछले मैच का रन आउट पुजारा का दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर दोबारा से भारत की 10 विकेटें देखेंगे अदरवाइज वो हार्दिक पांड्या की भी विकेट आएगी, वो ये आज का रन आउट है, तीसरा रन 35-3 आउट से शुरू हुआ था, आते ही भारत जो है रन आउट से विकेट गवाता है, फिर पार्थिव पटेल आउट होते हैं। ये भी सच है असर भाई कि साउथ अफ्रीका ने जो तेज गेंदबाज खिलाए हमने अंडरएस्टिमेट किए थे वाकई में, शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, डेफिनेटली हर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, जहां पे उनको मौका मिला है बॉलिंग करने का, अच्छी बॉलिंग करने का, जहां पे बैट्समैन को पिन डाउन करने का, पूरे 4 के 4 प्लेयर, 4 के 4 फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रबाड़ा ने भी आप देखिए फर्स्ट इनिंग में इतनी अच्छी रिवॉर्ड उनको मिला नहीं बट लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, और दोनों जब अपने नगीड़ी लुंगी बहुत उन्होंने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की, डेब्यू में 6 विकेट ले रहे हो सेकंड इनिंग में आके, और उन्होंने बिल्कुल जोर से डाला है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अगर लोग कह रहे थे कि विराट कोहली LBW बॉल लो हुआ तो विराट कोहली LBW ऐसे ही नहीं हुआ, बॉल उन्होंने बीटन फॉर पेस हो बिल्कुल, पेस इतनी देर आप बैट लाने से पहले बॉल लग गया था, तो आप देखिए वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग, उनकी दाद देने चाहिए हमारे बैट्समैन, मैंने पहले भी कहा था इससे पहले शो में जहाँ पे बॉल स्विंग होगा जहाँ पे बॉल ऊपर नीचे होगा वो बिल्कुल उनके पास टेक्निक है ही नहीं, एक बार ऐसे भाई बात करना है, पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे हम मैंने कहा था ये मास्टर स्ट्रोक है 4 पेस बॉल खिलाना, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंट पेस, मैं एक बात और आपसे मैं आज मैं यही भी कहना चाहूँगा
और आपसे भी पूछना है कि कंसिस्टेंट पेस में हम नहीं गुड एनफ है। नहीं नहीं, आप पांच गेंदबाज खिला लो, जहां पे कंसिस्टेंट पेस चलती है। साउथ अफ्रीका जाके मदन जी आप पांच बल्लेबाजों से खेल रहे हो और आप बल्लेबाजी में मैच हार रहे हो। ये तो हमने आपने 40 विकेट भी ले ली, आप टेस्ट मैच दोनों हार रहे हो बुरी तरह से। आपने कुल मिलाकर इस सीरीज में चार इनिंगों में 260 ओवर बैटिंग की है, मतलब एक एवरेज बनती है 65 ओवर पर इनिंग। नंबर एक टीम अगर 65 ओवर ही खेलती है इनिंग में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पांच बल्लेबाज और 65 ओवर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन विराट कोहली से सवाल पूछा गया तो वो रिपोर्टर से उलझ पड़े, वो उन्हीं को पूछते हैं कि आप बताइए मेरी 11 क्या है। लेकिन अगर मैं होता ना वहां पर, तो मैं शायद विराट कोहली को बताता कि एक से लेकर 11 तक ये खिलाड़ी होते। ब्रेक लेते हैं हम छोटा सा। अच्छा लगे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।